क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर, जो कभी बेहद समृद्ध और शक्तिशाली था, अचानक से गायब हो गया हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिनेश माली चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों की दुनिया में, जो आज भी इंसानों की कल्पना को जकड़े हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे अटलांटिस की उस खोई हुई सभ्यता के बारे में, जिसने सदियों से सभी को चकित कर रखा है। क्या यह केवल एक कहानी है, या फिर वाकई में कहीं छिपा हुआ है अटलांटिस का शहर? आइए इस रोमांचक रहस्य की परतें खोलते हैं। अटलांटिस, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में समुद्र में डूब गया था। लेकिन क्या यह केवल एक मिथक है, या इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी हुई है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ सदियों पीछे जाना होगा, जब ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने इस कहानी का जिक्र किया था। प्लेटो ने अपने दो ग्रंथों क्रितियसु और तैमईस्किन में अटलांटिस का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अटलांटिस एक महान और समृद्ध सभ्यता थी, जो ताकत और ज्ञान में किसी भी अन्य सभ्यता से आगे थी। लेकिन अटलांटिस के लोगों में अहंकार और अधर्म आ गया और उन्होंने देवताओं की अवहेलना की। नतीजा ये हुआ कि देवताओं ने अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया और इस प्रकार यह महान शहर लुप्त हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अटलांटिस वाकई में था, या यह केवल प्लेटो की कल्पना थी? बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि यह एक काल्पनिक कहानी है, जिसे प्लेटो ने अपनी शिक्षाओं को समझाने के लिए बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस सच में था, और वे इसे ढूंढने के लिए कई तरह के प्रमाण जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अटलांटिस की वास्तविकता को लेकर कई सिद्धांत भी हैं। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर में था, जबकि कुछ इसे मेडिटेरेनियन या कैरिबियन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि कुछ शोधकर्ताओं ने इस संभावना पर भी विचार किया है कि अटलांटिस आज के एंटार्कटिका के नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अटलांटिस सच में था, या फिर यह केवल एक महान मिथक है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे और भी रोमांचक और रहस्यमय विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, केवल दिनेश माली चैनल पर।